बस आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट, आहिस्ता आहिस्ता। कमतीरो आजाद, वेलकम टू अस्टमना, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। बहुत बढ़िया। कैसे चल रहे हैं रोजे? सीख चल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया लेकिन लग रहा है कि अच्छे चल। अरे जिन्होंने रोजा रखा वो शोर करें, जिन्होंने नहीं रखा वो बेटा तौबा करें, शोर ना करें। अच्छा, इससे पहले के वक्त जाया करें, आज हमारे पास एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो इंतहाई क्यूट और बहुत बबली सी है। कोरियोग्राफी और प्रोडक्शन में तो अपना लोहा बनवा चुकी है, मगर अपना सही मेटल जो है उन्होंने एक्टिंग में बनवाया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। आज सेट पर होगी क्यूटनेस ओवरलोड, फैला दो खबर, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं सरास खान। कैसी है सरा? वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम, प्लीज जॉइन अस। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सेकंड, आप बस नहीं रहनी चाहिए, पूरे शो में यही चलता रहेगा। मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपको मेरा नाम याद हो गया। हाँ सर, आज हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में मिले थे, आज भी इंटरव्यू में। आज पता नहीं मैं क्या कह दूंगी, शो कब आएगा और उस वक्त तक मैं क्या कर चुकी हूं। नहीं, इस बार शो भी आ जाएगा तो ताजा ही रहेगा जो कहेंगे आप। कैसा चल रहा है सरा? रिसेंटली आप मदर बनी, आप दोनों पेरेंट्स बने, एहान माशाल्लाह से बेटे का नाम है, 4 महीने के हो चुके हैं। एहान, क्या एहान, कैसी लाइफ चेंज हुई? शादी तक तो ऐसा लगता है कि हनीमून ही चल रहा है, जब तक बच्चे नहीं होते, बच्चों के बाद पता चलता है आटे दाल का भाव। अब तो हम अपने माँ बाप से पूछते हैं कैसे पाल लिए थे बच्चे। कैसा चेंज आया, क्या सबसे बड़ा चेंज क्या है? नींदें खराब हो गई हैं? नींदें खराब नहीं, नींदें हराम हो गई हैं हमारी। हम खैर अब बेचारा सो जाता है, वो बोलेगा अब तो छोड़ दो मेरी जान। नहीं, अब वो सो रहा था, लेकिन पहले 2 महीने तो आप भूल जाएं, हमने ना एक एनर्जी ड्रिंक का कैन मंगा के रखा उसके लिए, अपने लिए, हम जो है जाग जाग के ना उसकी सेवा करें। तो वो बहुत बड़ा चेंज आया कि आपको नींद जो है ना सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अच्छा, ज्यादा तंग कौन कर रहा है, एहान कर रहे हैं या आपके हस्बैंड लाला? वैसे तो दोनों ही। अच्छा, वो उठते हैं रात में उसको संभालने के लिए या आप ही उठती हैं? मैंने पूरा ट्रेन कर दिया है। कर दिया, ठीक है, रात भर वही जाके वही देखते हैं, मैंने पूरा ट्रेन कर दिया है। अच्छा, ये एक अच्छा चेंज आया। अगर हम अपने वालदैन की जनरेशन को देखें तो वो बच्चे शायद गोद में भी उठाना इंसल्ट समझते थे, अब्बू खासतौर पर गुस्से वाले अब्बू होते थे। अब देखा है कि अब्बू डायपर भी बदलवा रहे हैं, अब्बू खाना भी खिला रहे हैं, अब्बू लोरियां भी सुना रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं। पैदा जब आप हुई, ये तारीखी वाकया है, आप पैदा हुई हॉस्पिटल में पैदा हुई, और सुनने में आया कि आप इतनी प्यारी थी कि आपके वालिद साहब ने ही आपको चोरी कर लिया। ऐसा क्या कहानी थी? खैर मुझे अम्मी ने बताया था, मुझे तो ऑब्वियसली पता नहीं होगा, मैं तो पैदा हुई। तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते। तो मुझे अम्मी ने बताया कि डॉक्टर जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे कुछ घंटों तक बाहर ले जाने के लिए मुझे। तो अब्बू ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले जाता हूँ। वो स्नीक इन करके मुझे ले गए घर वालों को दिखाने के लिए कि देखिए इसके लिए ना गाल पे डिंपल पड़ता है, उसके होंठ बहुत लाल हैं, वो बचपन में बहुत लाल होते थे। तो वो जाके वो ले गए और फिर आराम से सबको दिखा के ना वापस ले आए। तब तक कोई पता नहीं चला अस्पताल, किसी ने नोटिस? आधी रात को ले गए थे ना। अच्छा, वो प्रोफेशनल? यस। अच्छा सर, आपको फैशन डिजाइनर बनना था? यस। लेकिन आपकी ड्राइंग माशाल्लाह इतनी बुरी थी, इंतहाई बुरी, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अब यह है कि आज जो शो है ना उसमें आपकी ड्राइंग भी टेस्ट होगी, ठीक है, और हम टेस्ट गेम है, हमारा बनावटी हम खेलेंगे, उसमें आपकी ड्राइंग टेस्ट होगी। मेरी भी इतनी बुरी है कि मैं अगर सीधी लकीर भी बनाता हूँ ना तो ऐसा लगता है किसी की ECG रिपोर्ट है। लेकिन आप फैशन डिजाइनर नहीं बनना था ना, मैं तो क्वालिफाई नहीं कर सकती थी इस ड्राइंग पे। अब ऐसा है कि हम कुछ सवाल ऐसे डिजाइन करते हैं जो अपने स्टाइल में पूछता हूँ मैं बुरा लगूंगा। वो सवाल ऐसे हैं जो सोहेल वड़ाइच, सब जानते हैं सोहेल वड़ाइच को? सोहेल वड़ाइच के हमारे तो दोस्त हैं, हमारे बुरा नहीं मानते, हमने उनसे लिखवाया हुआ है। तो एक सवाल उनके अंदाज में आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही उन्हीं जैसा सवाल है, प्यारा सा। तालीम डायरेक्टर बनने की हासिल की, कोरियोग्राफी के जौहर, अच्छा इतना बड़ा लफ्ज उन्होंने कभी खुद नहीं बोला होगा कोरियोग्राफी, बोला ही नहीं, बल्कि उसको क्या बोलते, रक्स के जौहर भी खूब किए। अब देखो कितना बुरा लग रहा है, अच्छा खासा कोरियोग्राफी में लग रहा था कोई प्रोफेशनल काम है, अब रक्स में लग रहा है कि बहुत ही प्रोफेशनल काम है। अच्छा, कोरियोग्राफी के जौहर भी खूब किए, लेकिन जब करियर चुनने की बारी आई तो एक्टिंग कर बैठी, ये खुला तजाद नहीं? डायरेक्टर बनने की तालीम हासिल करनी, डायरेक्टर बनने की तालीम हासिल, कोरियोग्राफी का शौक था, कोरियोग्राफी का ऐसी शादी में नहीं नाचते बचपन में, हाँ। वो बहन और मैं हर शादी में जाके डांस वांस करते थे, तो वैसे डांस था, हाँ। और ये नहीं पता था कि कर सकते हैं कोरियोग्राफी भी, लेकिन हम सिखाते सबको बराबर में थे। अच्छा, ये शादी मैंने मैंने तो अपने जो मेरे हस्बैंड है, अब मैंने कोरियोग्राफी उन्हें सिखाई और फिर उसके बाद उनसे शादी कर ली। बाकायदा उनको नाचना,
ताकि जाहरी बात है जिंदगी भर नचाना है आपको। वाह बहुत आला भाई, इसमें डालें बचती है, बहुत प्लानिंग, बहुत प्लानिंग। मगर ये खवातीन लड़कियां बैठी हैं, ये भी अपने दोस्तों की शादियों में डांस वांस करने जाते होंगे, करते हैं हम तो उसमें होता ये, मुझे एक एतराज है, ये लड़कियों के जो शादी वाले डांस होते हैं ये हमेशा नीचे से क्यों स्टार्ट होते हैं? यूं यूं तो रिदम बनता है ना। अच्छा यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से रिदम, और फिर ये बल्ब चेंज करते हैं, इस तरह की चीजें बताते हैं आप लोग, बल्ब चेंज करते हैं और छोटे स्टेप और नीचे देखते हुए और यूं यूं चंदी स्टेप्स हैं। हाँ। मैं बन गया कोरियोग्राफर, अगर आप भी बन सकते हैं, आप बन गए, आप बन शो के बाद बन गए, आपको ऑर्डर मिलेंगे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट आप जो करेंगे काम, मैं मेरा नाम साथ एक निगाह जी है, मैं क्या होऊंगा यार? आप ताबिश जी होंगे, निगाह के साथ ही कुछ होना चाहिए। अच्छा तबा जी, निगाह के साथ तबा जी, वाह वाह। वक्त आ गया कि मैं अपनी छोटी और प्यारी ऑडियंस के साथ बात करूं, या आपको देखने आए, देखना चाहते थे कैसी और आपके लिए सवाल भी लाए। अच्छा। सवाल बेटा माइक, पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हमजा। हमजा क्या करते हो? नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास में तो सवाल लाए बेटा। जी पूछ। मेरा सना सारा जी से सवाल है। सारा नहीं, सरहा। सरहा, सरहा जी से सवाल है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अभी नाइन्थ में ही था वो, आपने शादी कर ली। आप ये देखो लड़का तैयार आया है, रेस कोट पहनी हुई है उसने, ये पता नहीं शायद आज कहेंगे ये मौके के हिसाब से आया। ऐसा मुझे सब कहते हैं कि आपने शादी क्यों जल्दी कर ली। मैंने जल्दी नहीं की, मैंने अपने एज के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी लेट की है। ठीक है, तो मैंने जल्दी नहीं की भाई। वो दिखने में छोटी लग रही है, वरना बाय गॉड 55 से एक साल कम नहीं। एग्जैक्टली, छोटी नहीं बेटा। अच्छा तुम अगर चलो फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं की होती तो तुम क्या उखाड़ लेते बेटा? मैं वेट कर लेता थोड़ा सा। मैं वेट कर करके पता नहीं कहाँ। हाँ, बेटा आप तो वेट कर लेते, वो आ रही होती मैं। हमजा बैठे। चलो अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयजा। आयजा क्या करती? थोड़ा माइक करीब रखना। स्टडी। स्टडी करती। क्या पढ़ती? सेकंड ईयर। सोचा तुमने थोड़ी देर तो नहीं जी। अच्छा कोई सवाल लाइए जी। मेरा सवाल सिराज जी के लिए है। पूछो। मेरी, मैं भी आपकी तरह घर में बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो आपको भी मेरी तरह घर में कोई सीरियस नहीं लेता? ऐसा होता है, खुले से बात करनी है। ऐसा लग रहा था कोई बड़ा सवाल पूछेगी, आप सबसे छोटी हैं, सारी जायदाद आपको ही मिलेगी। लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात की ना कि आपको भी कोई सीरियस नहीं लेता। मुझे भी नहीं, मुझे लगता है कि अब काफी अरसे से लेने लगे सीरियस मुझे। क्योंकि आप जाहिरी बात है, वरना मैं हंगामा ना कर दूं घर में। नोटू भी आ रहा है। नहीं तो मैं हंगामा ना कर दूं घर में कोई मेरी वजह से। नहीं तो अच्छा आप लेते हैं। अच्छा कितने बहन भाई हैं सारा? हम पांच बहन भाई हैं। माशाल्लाह। कितने भाई? भाई तीन है और हम दो बहन हैं। तीन भाई दो बहन। तो भाइयों से लड़ाइयां चलती हैं या कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है? कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ। अब कहाँ लड़ाई हूँ, एज डिफरेंस काफी ज्यादा है ना। बहुत बड़े बड़े भाई हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन 10 साल का फर्क है। दूर के रिश्तेदार हैं बड़े भाई, इतने दूर बड़े हैं आपसे। हाँ बेटा आपको सीरियस नहीं लेते? नहीं। क्यों? क्या एग्जाम्पल दो। तुम बोली मैं बीमार हूँ, लोग हंस रहे हैं, क्या है? तुम्हें क्यों लगता है सीरियस नहीं लेते तुम्हें घर वाले? बस पता नहीं क्यों नहीं लेते। छोटी हो ना तुम, छोटों को बेबी समझते हैं, बड़ी उम्र। मुझे लगता है वो कहती होंगी मैंने ये बनना है, वो सीरियस नहीं लेते होंगे कि अच्छा तुमने ये बनना। थोड़े दिनों में तुम देखो, ऐसा कोई सीरियस ले ना ले, तुम अपना काम करते चले जाना बेटा। एक दिन आएगा, देखो सरा है, मैं भी सबसे छोटा हूँ घर में, हम सबकी यही मुसीबतें, हम तीनों बाद में दर्द बांटेंगे, ठीक है? उन्हें बैठ के ना यूँ हम बांटेंगे, लेकिन हम तीनों की यही है। लेकिन इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, अपना काम करती रहोगी तो दुनिया, घर वाले क्या दुनिया सीरियस लेना शुरू कर दी है इंशाल्लाह। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद उस्मान। उस्मान क्या करते हो तुम? स्टडी करता हूँ। बताते क्यों नहीं हो क्या स्टडी करते हो यार? सेकंड ईयर आईकॉम। सेकंड ईयर आईकॉम। कोई सवाल लाए? मेरा सवाल आपके लिए है ताबिश भाई। ताबिश भाई आपको भी 3-4 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन अभी तक आपका कोई स्कैंडल क्यों नहीं आया? और कितने इंतजार करना है? और कितना इंतजार करेंगे यार? मैं भी सोचता हूँ मेरा स्कैंडल नहीं आया। इसमें देखो मेरी कमी नहीं है, लोगों की कमी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मुझे पता है मेरे दोस्त यार ये लड़के कितना इंतजार कर रहे होंगे कि यार ताबिश भाई का स्कैंडल। बेटा मेरे साथ कोई स्कैंडल बनवाना नहीं चाह रहा है। कोई भी हो लेकिन आना चाहिए।
कोई भी हो, बस स्कैंडल होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बेटा, मैं जाके रिक्वेस्ट करूंगा। आप एक करेंगे तो ट्रेंड ज्यादा करेंगे ना, वैसे तो आप करते ही हैं ट्रेंड, लेकिन आप धुधुधुधुधु वाला ट्रेंड करेंगे। काफी बड़ा स्कैंडल, काफी बड़ा स्कैंडल। मैं कोशिश करूंगा बेटा, मैं पैगाम, अगर मुझे इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो एक आम सा आदमी, अगर आपके पास मुस्तहकीन से स्कैंडल बनवाना चाहती है। चलो भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमन है। तुम्हारा नाम अमन है जी, तो तुम जंग के हालात में छुप जाती? अभी जंग हुई नहीं है, जब होगी तो देखिए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी। अमन क्या करती हो तुम? स्टडी जी, 9th class में। 9th class में छोटी सी हो तुम जी। सवाल लाइए जी। मेरा सर, मैम से सवाल है कि बहुत से एक्टर्स जो हैं एटीट्यूड वाले होते हैं या रूड होते हैं, तो आप ऐसी नहीं है, तो आपको इंडस्ट्री में फिट होने में मुश्किल हुई थी या नहीं? अच्छा सवाल। आपको कैसे पता मैं मुझे ऐसी नहीं हूँ? लगती नहीं, नहीं मैं बताऊँ, एक्चुअली उनको लगता है मुझ पर बहुत एटीट्यूड है। जब मैं सेट पर जाके बैठती हूँ ना, मैं किसी से बात नहीं करती, तो ब्लैंक फेस में सबको लगता ही है कि मुझ में एटीट्यूड है। मुझे लगता है इस खूबी की वजह से शायद मैं जलन कर जाती हूँ। हाँ, ये एटीट्यूड सारा में है नहीं, लेकिन कम गो लोगों को अक्सर लोग समझते हैं कि वो एटीट्यूड वाले हैं, ऐसा होता नहीं। मैंने अच्छा सारा, मुझे ना इनकी, मुझे तो पता है एटीट्यूड का, मैं अपना खुद बड़ा अच्छा मनुष्य समूह बनाता हूँ, लेकिन इन लोगों को दिखाएं कि एक एक्ट्रेस के मुंह पे जब एटीट्यूड होता है तो कैसा मुंह होता है उसका? डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, एटीट्यूड वाला मुंह। मुझे एकदम से लगा ये मुंह, इस तरह का एटीट्यूड वाला मुंह तो मैंने जब भी किसी से बात की बना हुआ देखा है मैंने। अब आपको पता चला? मुझ में ही। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा क्या नाम? अलीजे। अलीजे क्या करती हो? अलीजे मैं 9th class में स्टडी करती हूँ। 9th class में स्टडी कर, ये कैसे कर रही हूँ? 9th class में यूजुअली स्टडी नहीं होती। लेकिन क्या पढ़ रही हो? बायोलॉजी पढ़ रही हो? कंप्यूटर। कंप्यूटर पर तो सवाल लाई। मेरा सवाल सरा जी से है कि आप वैसे तो बड़ी मासूम लगती हैं, लेकिन आपकी आंखों में काफ़ी शरारत नजर आती है, तो आप सच में मासूम हैं या ताबिश की तरह शरारती? अब आप ये लड़की जब बड़ी होगी सरा सोचो, अब इसको जरा खींचेंगे, ये लड़की जब बड़ी होगी, अब ये नंद होगी, सास बनेगी, ये सवाल जिस तरह की पूछ रही है, ये जैसे पूछ रही है ना, इस तरह की आवाज़ आएगी और ये सवाल पूछेगी। अच्छा ये पूछना इस तरह नहीं चाह रही थी, ये आंखें जरा छोटी बड़ी करके पूछना चाह रही थी, वैसे तो आप मासूम लगती हैं। कहने को तो आपके खानदान वाले कह रहे थे कि आप बहुत, नहीं आप बहुत साथ देती हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा आप कितना साथ देंगी। ये बताइए कि आप शरारती हैं? मैं हूँ, मैं एक्चुअली शरारती हूँ, और मैं उमर को बहुत तंग करती हूँ, मैं बस बहुत तंग करती हूँ ऐसा लगता है। मैं इतनी बातें आपने अपने हस्बैंड के बारे में बता दी हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बंदा एक सूफी है। नहीं है, सब समझते हैं। अच्छा अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल गुस्से में हो बेटा? अच्छा क्या करते? मैट्रिक का स्टूडेंट। मैट्रिक का स्टूडेंट, कोई सवाल लाए जी पूछो। तो मेरा क्वेश्चन सरा मैम से है कि वो कौन सा ऐसा किरदार है कि जो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगी? कौन सा ऐसा किरदार है जो आप कभी भी नहीं करना चाहूंगी? सवाल तो अच्छा पूछ रहा है। सवाल अच्छा लड़का। हुमायूं सईद की अम्मी का नहीं करना चाहेंगी आप? कर भी नहीं सकती ना मैं, ये कह के निकल जाओगे, अब तो सोचने की क्या जरूरत है। हाँ मैं किरदार जो नहीं करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि वैसे तो सभी करना चाहूंगी। इसमें कैसा हो बेटा? वैसे तो ऑनेस्टली सभी करना चाहूंगी। कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं करना चाहूंगी भाई, कैसा? अच्छा भी नहीं लगा। मुझे कैरेक्टर नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी में आइटम नंबर नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत पैसे दे दिए? नहीं तब भी नहीं करना चाहूंगी। 50 करोड़ रुपया दे दिए? नहीं करना चाहूंगी। 1 अरब दे दिए? डॉलर में करेंसी आ गई, $50,000। फिर मैं अपने मियाँ से पूछू। आ गई ना लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? लीजा अकबर। लीजा क्या करती हो? स्टडी करती हूँ FSC में। वेरी नाइस, कोई सवाल लाई हो? क्वेश्चन है मेरा सिरा मैम से कि खूबसूरत लोग वफादार क्यों नहीं होते? लोग वफादार बहुत सर, ये जो शुक्र है मैं तो बच गया जवाब देने से। ये जो सब
आप जो अपने दिल की जो है ना तकलीफ लेके सामने बहुत प्यारा सवाल, खूबसूरत लोग वफादार क्यों नहीं? खूबसूरत लोग मुझे तो लगता है काफी लोग जो खूबसूरत नहीं भी होते वो भी वफादार नहीं होते। मेरी बात भी आ गई, मेरी बात भी इसलिए नहीं होते क्योंकि मुझे लगता है उन्हें हुस्न का गुरूर होता है। ऑप्शन होते हैं उनके पास, ऑप्शन होते हैं उनका हुस्न का गुरूर होता है ना। हम जैसे लोगों के पास ऑप्शन ही क्या, जो मिल गया ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, मिल भी तो जाती उनको, और साथ में चार भी मिल जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। लोग इसलिए वफादार नहीं होते कि उनके पास ऑप्शन होते हैं। अब मेरे जैसे लड़के ऑप्शन ही क्या है, जो मिल गया उसी सच्ची मोहब्बत कर ली, ठीक है। तो ये खूबसूरत लड़कों के पास ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लीजा कुछ कहना चाहती हूँ, एक शेर है, एक शेर है दे दो। मैंने पूछा इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा खबरदार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार हो सकती है, एक शख्स कई बार नहीं हो सकता। जिससे भी पूछा तेरे बारे में यही सुना, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। बहुत आला भाई, लड़की कमाल शेर पढ़ गई तू। वाह, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? फैसल मखमूर। तुम्हें कसम है तुम ये ना कहना तुम नाइन्थ क्लास में हो। है ना? I am teacher. कोई तो बड़ी उम्र का पक्की उम्र का लड़का निकला। फैसल भाई आप क्या पढ़ाते? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वेरी, कोई सवाल लाए? जी जी बताइए। सिरा मैम से क्वेश्चन है कि यू आर इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग एज वेल कोरियोग्राफर एज वेल, विच पर्सनैलिटी इज योर इंस्पिरेशन? Which personality is my inspiration? In the field of acting. Acting में आपकी inspiration कौन? यमुना ज़ैदी। बहुत अच्छा। यमुना ज़ैदी। बहुत पसंद है। यमुना ज़ैदी। आपको पसंद है यमुना ज़ैदी? बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। जिस तरह से आपने कहा है। शर्मा गए। मैंने सुन रखा है कि आप गुलुकारी का भी शौक रखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ आता हो? सिरा मैम के लिए कि वैसे ही भाई इस्तेदाद के मुताबिक, इस्तेदाद के मुताबिक। अच्छा, फुल प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह दो चार बार माइक यूं भी किया ऐसा करते ना प्रोफेशनल सिंगर पहले हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, वाह। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना, बहुत आला, बहुत आला। ये हम नहीं जाने। फैसल भाई एक काम करो, आप दो लाइनें बस गाना, लंबा नहीं करेंगे, और भी लोग हैं। तो आपने ना प्यार की जगह उधार बोल लिया इसी गाने जो कि एक जंग है। हाँ, उधार एक जादू है। हमें है उधार कितना ये हम नहीं जानते, पाकिस्तान गा रहा है ये, पाकिस्तान गा रहा है। हम पे है उधार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते IMF के बिना, उधार के बिना। कादिर आजाद इसी बात पे बनता है एक ब्रेक और थोड़ा सा उधार, जल्दी वापस आइएगा, आस्था बनाए कहीं नहीं जाएगा। पापा की प्रिंसेस क्यों नहीं जाऊं मम्मी, आप बताएं। रहने दे ले जाए इसको, मैं चली जाऊंगी किसी और के साथ। सस्ते में पढ़ूंगी आपको, सस्ते में पढ़ूंगी मैं। वेलकम बैक टू आस्का मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। मेरे साथ मौजूद सरा असगर। सरा, हमने बात की थी आपकी ड्राइंग की, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुरी है आज, और अच्छी बात यह है कि मेरी भी बुरी है तो कोई डरने की बात ही नहीं है, ज्यादा बुरी है। ये पकड़ी हमारे सेगमेंट का नाम है बनावटी।
हम क्या करेंगे कि स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी सिर्फ 5 सेकंड के लिए और ये ऑडियंस जो है ये काउंट करना शुरू कर देती है जैसी तस्वीर आएगी। अच्छा ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 तक ये काउंट करेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी और उस 5 सेकंड बाद हमें वो 30 सेकंड के अंदर तस्वीर यहाँ बना, ठीक है, जिसकी सबसे करीब होगी वो ऑडियंस बता देगी किसकी सबसे अच्छी है, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए मार्क। थैंक यू। हाँ दिखाओ भाई तस्वीर। हाँ हाँ हाँ। पहले मैं दिखा देता हूँ। आपकी फिर भी बेहतर होगी। अमेरिका। मैं जीत गया यार, मेरे से बेहतर बना गया यार। ठीक है ठीक है, थैंक यू। पहली वाली मैं जीत गया। एक और है, एक और है, एक और दिखाओ भाई, जल्दी से दिखाओ। वाह अल्लाह, इसे तेरे हाथ में भाई, चलो। अरे हाय हाय, सही है, ठीक है। ये तो बहुत अब आप पहले दिखाओ यार। बहुत यार, इतनी खूबसूरत बनाया। अल्लाह माफ करे। इस बहुत अच्छे भाई, मतलब ये ऐसा लग रहा है झाड़ियों से बिल्ली देख रही है। वो एक किस्म की बिल्ली होती है। अच्छा मैं क्यों इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, जैसे मैंने सही बनाया हुआ है, पता नहीं मैं दिखाऊंगा तो बेटा ये देखो। यार पूरा शेर बनाना नहीं आ रहा तो मैंने PML N लिख दिया, ठीक है। शेर बन गया वहां से, नहीं आ रहा इतना इतना मुश्किल दिया करो यार। मेरे ख्याल से सरा को दे देना चाहिए। क्या है ये? वो कह रहे हैं फाइनल भी बना ले। हाँ यार चलो आखिरी, जल्दी देखो बेटा, अच्छा सा दिखाना कुछ यार। चलो ये तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। यार सारा आपने बहुत अच्छी बनाई है, आप ही दिखाओ यार। आके खोल दिए लेकिन बेटा। एटलीस्ट वो बेहतर है। नहीं यार थैंक यू सारा, बहुत अच्छा खेला आपने। मेरे ख्याल से हम दोनों तारीख के बुरे तरीन स्केच आर्टिस्ट में शुमार होते हैं। लेकिन आपने मान लिया ना। मैं आप बिल्कुल फैशन डिजाइनर, करीब भी मत जाना, करीब भी मत जाना। थैंक यू। ताली होनी चाहिए सारा के लिए। अच्छा सारा, ये लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, सर बताइए जब यूनिवर्सिटी में थी या जब फेमस हो गई, किस दिन पता चला कि हाँ अब मैं फेमस हूँ? मुझे लगता है जब मैंने प्यार के सदके किया था तब मुझे लगा था, काफ़ी लोगों ने बहुत रिकग्नाइजेशन दी थी मुझे, तो तब से मुझे लगा कि आई एम नॉट, ये नहीं था कि मैं स्टार बन चुकी हूँ, बट मुझे जो पहचान चाहिए थी वो मिल गई थी। हाँ लोग अब शक्ल ये दे, हाँ मैं भी शायद है ना इस तरह कहने लगे हो। ऐसा होता है अक्सर। हाँ लोग कहते हैं आप उससे बड़ा मिलती हैं। किससे मिलती है? लोग मुझे कभी कभी समझते हैं मैं सुंबल से मिलती हूँ, काफ़ी कहते हैं लोग सुंबल से मिलती हूँ, और इंडियन में कंगना रनौत से बहुत लोग मिलवाते हैं। अच्छी है। फिर एक इंडियन और थी जो इंडियन सोप की वो एक्ट्रेस थी, थपकी प्यार से, पता नहीं कोई होता है थपकी प्यार से, उससे उसकी एक्ट्रेस से बहुत मिलवाते थे। मैंने नहीं देखी कंगना रनौत, वैसे तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, अब पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है, लेकिन एक जमाना था वो हमें पसंद भी थी। अच्छा अब वक्त आ चुका है आपके साथ खेलेंगे 2.5 सेकंड का मामला, ठीक है। 2.5 सेकंड का मामला में ऐसा है कि आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जेनेरिक, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, IQ के भी हो सकते हैं,
आपने सही गलत जवाब नहीं देने, आपने सिर्फ ढाई सेकंड के अंदर जवाब देने। अच्छा ठीक, ढाई सेकंड के अंदर जवाब देने, और जवाब ऐसे नहीं देने। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं इस टेबल का शेप क्या है, तो आप कह सकती हैं स्क्वायर। ओके ठीक है, मगर ये नहीं बताना कि अजीब सा, ये नहीं कहना, रैंडम लफ्ज नहीं कहने, कोई स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान किसने बनाया, आप कह सकती हैं न्यूटन ने। ओके मगर ये नहीं कह सकती उसने या आपने या मैंने, इस तरह नहीं, कोई जवाब, कोई नाम, कोई नंबर, कोई जगह, इस तरह से ठीक है। स्पेसिफिक कैटेगराइज करना है exactly. जिसके बारे में बात जी। अब पहला सवाल, और अगर आपने गलत जवाब दिया यानी कि जेनेरिक जवाब दिया तो बजर बजेगा कैसा? हाँ। अगर आप टाइम एक्सीड कर गई तो बजर बजेगा कैसा? और अगर मेरा दिल चाहेगा तो बजर बजेगा? पहला सवाल, यशमा गिल को देख के क्या ख्याल आता है? कि इससे शादी करनी चाहिए, यशमा गिल से। वेरी गुड। सबसे छोटे होने का फायदा क्या है? कि आप कुछ भी मनवा सकते हो, अगर कैंडी चाहिए तो कैंडी मिल जाएगी। वेरी नाइस। गुस्से में कैसी आवाज निकलती है? ये ऐसा लग रहा है आपसे ज्यादा आपका पेट गुस्से में। दिल कैसे जीता जाए? खाने से। खाने से, वेरी गुड। स्विमिंग पूल में क्या नहीं करना चाहिए? बाथरूम। बाथरूम नहीं करना चाहिए, सही बात। हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? सोना। सोना, सोना, सोना। सोना नहीं, सोना, सोते रहे। ठीक। डक और बक के फादर का नाम क्या हुआ? डबक गबक। डबक गबक, डबक गबक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिन चिराग से निकलकर क्या कहेगा? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। इतना घटिया जिन निकल रहा है मेरे चिराग से। किसको रिजाइन कर देना चाहिए? इंडस्ट्री का गैंगस्टर कौन है? आप। आप नहीं कहना था, आप ताबिश कह देती, मगर चलो आप भी ठीक रहेगा। बहुत अच्छा खेला सर आपने, बेहतरीन खेला आपने, तालियां होनी चाहिए सर के लिए। एक बजर तकरीबन बजा आपके। अब जरा, क्योंकि हम सवाल जवाब चलते रहेंगे, इतने इंटरव्यूज तुम दे चुके, कितने सवालों के जवाब दोगे? छोड़ो, गेम खेलते हैं। गेम का नाम है हरूफ तहजी। जिनको नहीं पता हरूफ तहजी क्या होते, अल्फाबेट्स को कहते हैं। हम करेंगे ये कि सरा और मैं एक सिचुएशन में कॉन्वर्सेशन करेंगे, और हमारा जैसे जो भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा उसका पहला जुमला ए से होगा, जो जवाब देगा उसका जुमला बी से होगा, फिर आप सी से, डी से, ई से, एफ से करते रहेंगे, और हम आते आते जी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेट्स स्क्रीन पे आते रहेंगे। एक स्क्रीन ये भी लगी है, मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। ठीक है सरा, तो सिचुएशन क्या होनी चाहिए? हम दोनों बहने, ठीक है, और अम्मी अब्बू दावत पे एक ही को ले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये समझ लें हमारे अम्मी अब्बू हैं ऑडियंस, हमें इनको इनको मनाना है। ठीक है, सही है। तो ये सर जो बैठे ना सर, ये हमारे अम्मी हैं। मैं दावत दूंगा अम्मी को। नहीं नहीं, अम्मी इधर आ जाए, माइक देना बेटा। ठीक है, अम्मी 1000 रुपये दें? नहीं है। सही, बिल्कुल सही अम्मी बने आप। सीन स्टार्ट, ए बी सी डी, जो पहले स्टार्ट करते वो करते, गेम सीन स्टार्ट होते ही। ठीक है, सीन। आपा का कल एग्जाम है, वो कैसे जा सकती है? मैं जाऊंगी, मैं ना सूट भी लेके आई हूँ बाबा के साथ। छोटी है तो क्या हुआ, हर जगह पहले यही जाएगी क्या? दादी भी तो ऐसे ही हमेशा लेके जाती है ना, अब मेरी बारी, मैं जाऊंगी। इतनी सी थी, इतनी सी, जब मैं इसको अपनी गोद में पालती थी अम्मी। फालतू बातें करती रहती है बस, फटाफट फटाफट गालियां दे ना अम्मी, आप इसको गालियां दे। तो भाई इतना अच्छा जोक मारा है, गालियां दें, चुप कर जाओ, हंसना मना है। इतना ही अच्छा जोक था तो तुम कर लो ना। जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत देखे मैंने, तुम माई जैसी बहुत बहने मिल जाएंगी मुझे। कैसी लड़की हो तुम? लालू के जैसी बात कर रहा मेरे, लालू के जैसी बात। ठीक है मम्मी, मम्मी मेरी बात सुने, मैं रोने लगूंगी अगर आप इसको लेकर गई। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, आज तो मैं ही जाऊंगी, वरना तो हमारी हमारी लड़ाई हो जाएगी। ओ छोटी। पापा की प्रिंसेस। क्यों नहीं जाऊं मम्मी, आप बताएं। रहने दे, ले जाए इसको, मैं चली जाऊंगी किसी और के साथ। सस्ते में पढ़ूंगी आपको, सस्ते में पढ़ूंगी मैं। थक जाएगी, मत लेके जाएगा इसको अपने साथ, आप थक जाएंगी। अंदर चले मम्मी, बात करनी है आपसे। वैसी लड़की है ये, इसको बंदर लेके जाएगी बात करने के लिए? वल्ला मेरा मुंह मत खुलवाना सरा। ज़ायला फोन से खेलती थी बचपन में, नाम भी नहीं पढ़ना आता था। जम जम करके ये खाती है।
जब भी गाती है जम जम आवाजें आती हैं अम्मी, आप इसको ले जाएगी दावत बेइज्जती करेगी आपकी, आपकी वैसे इतनी इज्जत कम हो चुकी है। जू ले जाओ, बंदर जैसी ही तो है, सब देख के तालियां बजा देंगे इसको। बैठे अम्मी, बैठे अम्मी, अब आप बताएं किसका अच्छा गया? सारा जी का। नहीं, ताली होनी चाहिए सर के लिए। इतना अच्छा परफॉर्म किया मगर सर अपने कैरेक्टर से नहीं निकले। आखिर में सरहज ही नजर आ रही थी और बैठे हुए ऐसे थे जैसे वक्त एक छोटे था ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, अस्ना मना कहीं नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन है कि क्या सरहा लाहौरी है या कराची आइटम? मैं कराची आइटम। आप लाहौर से? हाँ, पता नहीं क्यों लोगों ने लिखा मैं लाहौर में पैदा हुई थी। ये लिखा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। क्या ये झूठी खबरें क्यों फैली? पता नहीं, जिसका मन किया लिख दिया। मेरे ख्याल से लाहौर के लोग भी इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे कि वो चाहते हैं कि आप लाहौरी होती। ऐ काश सरहा लाहौरी होती, तभी तो बार बार लाहौर आना होता। आप बिल्कुल बहन बनने में एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। कभी ऐसा हुआ कि आपको इस चीज से बुरा लगता हो कि यार मुझे हर जगह बहन बना दिया जाता है, जब मैं इतनी प्यारी भी हूँ, डिंपल भी उठा रखा है? अच्छा नहीं, अब तो मुझे इतना फील नहीं होता। अब नहीं होता, अब आप परफेक्ट बहन। परफेक्ट, अब मैंने बिठा लिया जहन में क्या बहन। हाँ ठीक है, अब ऐसा काम करते हैं क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं तो आपके साथ एक गेम खेलते हैं, बचाओ। ठीक है। बचाओ में होगा ये, आपका कोई अजीज आदमी, अजीज शख्स या कोई खातून, वो एक मुसीबत में फंसी हुई है, ठीक है, और आपने उन्हें बचाना है बाई आंसरिंग 3 simple questions विद इन 1 minute। यानी 3 आसान सवालों जब आप 1 मिनट में देंगी तो उनका वो बच जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाएगा। ठीक है, दिखाइए कौन है वो अजीम शख्सियत। ये आपके हस्बैंड हैं, लाला साहब ताली होनी चाहिए, हस्बैंड है सर आके, बहुत प्यारे से आदमी। अब करेंगे, अच्छा ऐसा है कि ये सादा खुशबू गेम नहीं है, जीतना है और जीतने के बाद आपको मिलेगा। अगर मैं ना जिताना चाहूँ, उन्हें गिराना चाहूँ तो तब भी ये गिफ्ट मिलेगा। ये जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर, अगर आपने कुछ भी किया आपको ये खूबसूरत सा गिफ्ट है। अच्छा मतलब वो पत्थर गिर जाएगा फिर तो मैं हार के चुप बैठी रहूंगी, लेकिन कोशिश करना। जैसी पत्थर हिले, टाइम कम होने लगे, लड़के लड़कियां शोर करेंगे। पहला सवाल, कोई 6 cartoons के नाम बताइए। टॉम एंड जेरी, डोरा द एक्सप्लोरर, पू, डेक्स्टर, टार्जन, वो क्या लूनी टू क्या था वो? हो गए, ठीक है, रोको, मैं जितवा रहा हूं, मैं बचा रहा हूं आपके मियां को, यार कोई तरीका है। अगला सवाल, बी से शुरू होने वाली 5 countries के नाम बताइए। बी से। बार्सिलोना। नहीं, ये कंट्री नहीं, ये कंट्री। अरे कैपिटल है वो किसी कंट्री। अच्छा तो कोई कुछ नहीं हुआ ना इससे, मान ले इसको। नहीं मैं नहीं मानूंगा। बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे कंट्री का नाम है। अब नहीं पता मुझे। बांग्लादेश कंट्री का नाम। अच्छा नहीं भाई, मैं हार जाऊंगी इसमें। बांग्लादेश। आप सिटी बता दो यार। बॉम्बे, बांग्लादेश, बॉम्बे, बार्सिलोना, ब्रिस्बेन। तो मैं कसम, एक कंट्री का नाम बता दो बी से, मैं मान जाऊंगा। बांग्लादेश बोली था हमने। वो मैंने बोल दिया, एक और बता दो बस। वो गिर जाएगा। ब्राजील बोल दिया। रोक दो यार, रोक दो भाई, वो बहुत प्यारा आदमी, मैं गिरने नहीं दूंगा। थोड़ा पीछे कर लो बेटा, थोड़ा सा पीछे कर लो। ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग हो रही है। एक मासूम सा मुस्कुराहट देखो, इस मुस्कुराहट पत्थर गिरता अच्छा लगेगा उनका। ऐसे 5 जानवरों के नाम बताएं जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं। पोला बेर, बेर, पोलरी बेर रहता है उसके अंदर। बेर है क्या? नहीं तो बेर भी तो होता है, वो पेंगुइन्स होती हैं। सुनो, स्नो आउल। स्नो आउल। देखो बात सुनो, बता दो कुछ तो बता। टॉर्टोइस। टॉर्टोइस कहाँ रहता है? बर्फ। हल्की सी आवाज़ है। गायब। बहुत अच्छे आदमी, बहुत ही प्यारे आदमी। सर आइए, आपके साथ जाएगा फिलिप्स का, फिलिप्स पर्सनल केयर की तरफ से आए हुए इनामात। आप सिर्फ हाथ लगा दे ताकि आपका हो जाए। बहुत दिन दिन के लिए आपने खेला सर। एक एक सवाल जो मैं चाहती थी वही किया मैंने। शो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका, शो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन आपको तो गिफ्ट दे दिया, ये ऑडियंस जो आई हुई इनको भी तो कुछ देना है मुझे। इनके लिए मेरे पास करशी जामेशीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जो उसका सही जवाब देगा
वो गिफ्ट हैम्पर लेके जाएगा कर्शी जामशीरी का। तो कर्शी जामशीरी का सवाल है ये, वो कौन सा उड़ने वाला जानवर है जो बच्चे देता है अंडे नहीं? लेडीज। हाँ बेटा, बल्कि हाँ बेटा, चिमगादड़ इज द राइट आंसर। आइए आओ बेटा, आज भाग के आज बेटा। सर आप प्लीज आप भी मुझे हेल्प कीजिएगा, बहुत भारी है ये। क्या नाम है बेटा आपका? इकरा के लिए जामे शीरी की तरफ से, कर्शी जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट टेम्पर, तालियां होनी चाहिए। उठा लो जी बेटा, वेरी गुड, बैठो। जरा तुम्हें पता था चमगादड़ों का? मैंने सोचा था शायद चमगादड़ एक मैमल है। हाँ, बच्चे देती है वो, बहुत मेरे ख्याल से वाहिद परिंदा है जो बच्चे देता है। हमारा शो इख्तिताम को पहुँचा, मगर जाने से पहले सर एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्योंकि लाहौर में हम बैठे हुए हैं, कराची से तुम आई हो, मैं भी तकरीबन कराची से आया हूँ, एक कंफ्यूजन है कि क्या सरहा लाहौरी है या कराची आइट है? मैं कराची आइट हूँ। आप लाहौर से? नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों लोगों ने लिखा मैं लाहौर में पैदा हुई थी। ये लिखा हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। क्या ये झूठी खबरें क्यों फैली? पता नहीं, जिसका मन किया लिख दिया। मेरे ख्याल से लाहौर के लोग भी इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे कि वो चाहते हैं कि आप लाहौरी होती। ऐ काश सरहा लाहौरी होती, तभी तो बार बार लाहौर आना होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ताली होनी चाहिए सर असगर के लिए। शी वाज अ ब्रिलियंट गेस्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हफ्ता मना। और आखिर में जाने से पहले मैं एक कमाल बात करता हूँ। तो सर जाने से पहले आज की कमाल की बात यह है, किसी सियाने ने कहा है, फैमिलीज दैट ईट टुगेदर स्टे टुगेदर, यानी जो खानदान एक साथ बैठ के खाना खाते हैं वो एक साथ जुड़ के रहते हैं। तो आजकल रमज़ान का दौर है, बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि हम साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, खास तौर पे इफ्तारी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, वो लड़के लड़कियां जो अब जवान हो चुके हैं, हम ज़्यादातर अपने दोस्तों में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं इफ्तारियां करना। दिस इज़ द टाइम, ये रमज़ान का टाइम है कि अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं, टेबल्स पर डिस्कशन करें, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी बातें जो आप कभी अपने माँ बाप से ना कर पाए इस तरह से सॉल्व हो जाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस वक्त घड़ियां बज रहे हैं 11:55। आप क्या करती हैं 11:55? सो जाती, सोने पहले तो बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं। जितनी मैंने एपिसोड में जितने आर्टिस्टों से ये पूछा है कि 11:55 पे क्या करते, वो सब सो जाते हैं। हम सोते नहीं है, पहले बच्चे को सुलाते हैं फिर हम सोते हैं। माँ बाप की जिंदगी तो ऐसी, भाई 11:55 बज रहे हैं, आपने सोना है या सहरी तक जागना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए, मगर सहरी की तैयारी भरपूर कीजिए, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। कल सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।